मे आई हेल्प यू डेस्क कन्नौज के जिला अस्पताल में बना हुआ है, लेकिन हेल्प करने को तो कोई तैयार नहीं है, बल्कि परेशानी में इजाफा जरूर कर दिया जाता है। ये दिखाने है उसके यहाँ पे चोट लग गई पीठ में, तो सर यहाँ पे वो बोलते इधर जाओ उधर जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, 1.5 घंटा भी चक्कर ही लगा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर वगैरह नहीं यहाँ पे? कोई भी नहीं, यहाँ बैठे थे पर निकल गए। इस समय स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। मरीज घंटों भटकता रहता है पर डॉक्टर नादारद रहते हैं। एक मरीज ने तो चक्कर काट काट कर परेशान होकर अपना पर्चा फाड़ कर फेंक दिया और मायूस होकर बोला, मैं यहां से जा रहा हूं, यहां कोई सुनने वाला नहीं है। 33 नंबर 2 बार गए, बोल रहे वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां चला नहीं सर जा रहा है, कमर में दर्द है। अच्छा, कब से आप यहां पर आ रहे हैं? आज पहली बार आया। तो कितना टाइम लग गया आपको यहां? कम से कम 2 घंटा हो गए। अब यहां से दोबारा आए तो फिर बोल रहे कि ऊपर जाइए, ऊपर जाइए तो बोल रहे कि नीचे जाइए। अच्छा, देखो देखने वाला नहीं है ना। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे तो ऐसे भटक रहे हैं आप? ऐसे भटक रहे सर, अमर वहाँ यातायात में पूछा, उन्होंने बोला कि 30 नंबर जाए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से नीचे आए। जी हाँ, ये हालत है जिला अस्पताल की, जहाँ पर कहने को तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। मरीजों के अनुसार कुछ डॉक्टर्स अपने कैबिन में बैठे रहते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं और बाहर बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब बिजी हैं। अब डॉक्टर जब पहुँचेंगे अंदर तभी तो डॉक्टर देखेंगे बेचारे, क्या करें डॉक्टर अंदर, बाहर वाले अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, वो अपने उसमें बैठे रहते कैबिन में? अब अंदर मरीज है और बाहर वाले तो ये कहते डॉक्टर साहब बिजी हैं, अब दरवाजा तो बंद होता, हमें क्या पता बिजी हैं क्या, क्या कर रहे हैं, बिजी होते हैं। जब इस मुद्दे को लेकर द पंचौरा न्यूज के संवाददाता ने CMS शक्ति बसु से बात की तो CMS ने कुछ ऐसा कहा। हमारे हड्डी के डॉक्टर का चेंबर अलग है, उनका ऑर्थोपेडिक चेंबर में वो बैठते हैं, जब कभी आवश्यकता होती है तभी वो जो है प्लास्टर रूम में जाते हैं। और मैंने इस बात के लिए तस्दीक भी करी, उन्होंने कहा कि मतलब वो पेशेंट देख के तब उनका एक इमरजेंसी ऑपरेशन है उसमें गए हैं, इसका मैंने और मैं दिखवा भी लूँगा क्या है। और मेरी लोगों से ये अपेक्षा रहेगी कि यदि कोई ऐसी परेशानी आ रही है तो मेरे स्टाफ को या मेरे तलक ये सूचना अवश्य पहुंचवाएं, ताकि मैं उस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलवा सकूं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जिला अस्पताल मरीजों की सेवा के लिए ही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। उम्मीद है कि CMS साहब दोषी डॉक्टर्स के साथ सख्ती से कार्यवाही करेंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये पानी बरसात में इकट्ठा नहीं हुआ है, बल्कि 12 मासों यहाँ यही हाल रहता है। चुनावी मुद्दा ये हमेशा से रहा है, लेकिन ये मुद्दा बना ही हुआ है। जी हाँ, चुनाव होते हैं, मुद्दा उठाया जाता है और अगले चुनावों के लिए बचा लिया जाता है। कन्नौज के फूलपुर गाँव में लोग बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, सड़क पर पानी भरा हुआ है, कोई सुनता नहीं, संचारी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। जब नहीं सुनते मतलब कोई दिया को समस्या को हल ही नहीं है, हम लोग इन बीच में फंसे हैं। अगर पानी इन मतलब अगर कोई पानी बह के जाए रो तो लड़ाई लफड़ा हिल करो, वो वहाँ तो नाली जा रहा नाली हमका कोई करे नौका तो नाली मान लो गवर्नमेंट के इतला पहुँचे, गवर्नमेंट मान लो साधन दे गाँव के अंदर जाने के लिए और कोई रास्ता है? इसके अलावा रास्ता कोई नहीं, रास्ता बाओ बेकार, रास्ता जाओ बेकार। ग्राम प्रधान का साफ कहना है कि जब बजट आएगा तब ये सड़क सही कराई जाएगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई बजट नहीं आया और ना ही सड़क ठीक हो सकी। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की ये तस्वीर प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचनी चाहिए। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के नेहरू युवा केंद्र तत्वाधान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती व राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत भवानीपुर में सदर नेहरू युवा केंद्र के ब्लॉक प्रभारी विवेक कुमार सैनी व निराला दुबे के द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्री रोहित त्रिपाठी ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया यूथ क्लब अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कन्नौज के समस्त विकास खंडों में ग्राम लेवल पर गठित संगठनों द्वारा निरंतर खेल कार्यक्रम, फिटनेस कार्यक्रम, दौड़, साइकिलिंग आदि एक्टिविटी की जा रही हैं। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते सभी एक्टिविटी में निश्चित सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर आदि का उपयोग
युवा क्लब के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा संगठन द्वारा रनिंग, जॉगिंग एवं फिटनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे कन्नौज विकास खंड के स्वयं सेवक निराला दुबे, हर्ष चौरसिया, लवकुश द्वारा समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए जागरूकता पत्रक, स्टिकर, मास्क आदि वितरित किए गए थे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर कन्नौज पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रही है। जो लोग बेवजह गाड़ियों में घूम रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने कन्नौज शहर के मकरंद नगर, लाखन किला, लोहिया चौराहा, सरायमीरा, जिला अस्पताल के आसपास कई जगह चेकिंग अभियान चलाया। लोगों को बेवजह घर से निकलना भारी पड़ा। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के कनपुर गांव निवासी पंकज कुमार अपनी स्कूटी पर सवार होकर उमरदा डाकखाने की तरफ जा रहे थे। जब वह गसीमपुर पुलिया के पास पहुंचे तो अचानक उनकी स्कूटी आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक पूरी गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी। उन्होंने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। आग की लपटों को देखकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट।